चाचा भतीजा से बोलना चाहते हैं कि आप आँख खोल कर देखिए, पूरे पटना का चक्का चक्का जाम है। आँखें खोल कर देखिए, अभी तक ना सरकार यहाँ से कोई बुलावा आया है, ना जिला प्रशासन की यहाँ से कोई बुलावा आया है। कल ज्ञापन सौंपे थे, उसके बावजूद भी आज आप लोग हड़ताल पे हैं, क्या कुछ कारण रहा? देखिए, ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन ना सरकार की ओर से, ना जिला प्रशासन की ओर से, ना नगर निगम, जिसने घेराबंदी एक तरफा डिसीजन से किया, किसी की ओर से कोई वार्ता की सूचना नहीं आई है। और जब नहीं आई है तो हमारा 5 तारीख के पटना बंद का घोषणा था। और पहले तो आपके चैनल को हम बधाई दे दें, अपने फेडरेशन की ओर से बधाई दें कि आपके चैनल के माध्यम से गरीबों का आवाज़, ऑटो चालकों का आवाज़, ई रिक्शा चालकों का आवाज़, फुटपाथ दुकानदारों का आवाज़ जो जन जन तक गया, उसका आज परिणाम देखने को मिला कि कल तक जो ट्रेलर चल रहा था और सिनेमा पूरे पटना में पाली से लेकर मोकामा तक 100% सफल रहा। इसलिए आपका चैनल बधाई के पात्र है। और हम आगे भी चाहेंगे कि कुछ जो जमींदारों का, पूंजीपतियों का चैनल है तो सरकार में है, लेकिन आपके ऐसा चैनल जो गरीब को, आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहा है, उसी का नतीजा है कि आज हड़ताल 100% सफल है। और जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होता है, हड़ताल आगे भी जारी रहेगा। इस पर हम लोग शाम में तमाम संघों के लोग बैठ करके आगे के रणनीति पर बात करेंगे। अंतिम बात कह दें कि ये जो कुछ समस्या उत्पन्न हुआ है निगम की ओर से, और आपको भी खबर मिला होगा कि निगम स्टैंड बना रहा है, निगम स्टैंड घेर रहा है, हम कहना चाहते हैं कि कानून केवल गरीबों के लिए है कि अमीरों के लिए भी है? तो कानून ये कहते हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1992 के धारा 191 के तहत स्टैंड स्थापना करने का अधिकार परिवहन विभाग, राज्य सरकार का है, निगम का नहीं है। हम दावे के साथ कहते हैं कि पटना नगर निगम आयुक्त महोदय, आप अपने दस्तक से स्टैंड का स्थापना कीजिएगा। जब स्टैंड का स्थापना नहीं कर सकते हैं तो उजाड़ने का भी अधिकार आपको नहीं है, परिवहन विभाग राज्य सरकार का है। अब परिवहन विभाग राज्य सरकार के देखरेख में एक बैठक हो और जनता सर्वोपरि है, जनहित में, मेट्रो के हित में, स्मार्ट सिटी के हित में, साथ साथ गरीब ऑटो चालक, ई रिक्शा चालक और फुटपाथ दुकानदारों का भी हित को ध्यान रखा जाए और वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जाए। न हम मेट्रो का विरोधी है, न स्मार्ट सिटी का विरोधी है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर कहेंगे। सरकार का कोई प्रतिनिधि अभी तक नहीं आया, कोई प्रतिनिधि, कोई सूचना नहीं आई है। और सरकार के कान में कड़वा तेल डाला हुआ है और सरकार सोई हुई है, जिला प्रशासन के लोग सोई हुई है कि भाई यात्री परेशान है, मरीज परेशान है, परीक्षा देने वाले छात्र छात्राएं परेशान है, लेकिन सरकार एसी में आनंद ले रही है और हम लोग रोड पर जो है इनकलाब जिंदाबाद कर रहे हैं और 100% हमारा आंदोलन सफल है। राजकुमार झा, महासचिव, ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन बिहार। सरकार नहीं मानती तो क्या कुछ कीजिएगा? सरकार नहीं मानेंगे, हम लोग ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन के स्टेट सेक्रेटरी हैं। अगर हमारा समस्या का समाधान नहीं होगा तो पूरे बिहार में हम बंदी का कॉल करेंगे। आज तो पूरे पटना में बंद, पूरे पटना बंद है। हम नीतीश जी से, हम चाचा भतीजा से बोलना चाहते हैं कि आप आँख खोल कर देखिए, पूरे पटना का चक्का चक्का जाम है। आँखें खोल कर देखिए, अभी तक ना सरकार यहाँ से कोई बुलावा आया है, ना जिला प्रशासन की यहाँ से कोई बुलावा आया है। चलिए तो देखिए, तमाम जो फेडरेशन के लोग हैं, वो ऑटो यूनियन के लोग हैं, वो लगातार जो है आंदोलित हैं और सरकार से वार्ता की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इनसे कोई प्रतिनिधि मंडल जो है वो मिलने के लिए नहीं आया है, ना ही बात कर रहे हैं। लगातार जो है नगर निगम जो है तमाम इलाकों में, जगहों को जो है वो घेर रही है, क्योंकि पटना को स्मार्ट सिटी बनाना है और कहीं ना कहीं पटना में तमाम जगहों पर मेट्रो का निर्माण हो रहा है।
इसको लेकर जो टाटा पार्क था उसको भी घेर दिया गया है और इस पर काम चल रहा है। निखिल, इससे तमाम जो ऑटो संघ हैं वो नाराज़ हैं कि कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।